हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर एनिमेशन में। आज हम लोग एक बात करेंगे एक नए टॉपिक पे जो कि ठंड के सीज़न में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है लोगों को, जो है कफ, खांसी। सर्दी का समय जब शुरू होता है तो अक्सर करके सर्दी, जुकाम, खांसी, इन सब परेशानियों से जो है लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। काफ़ी आसानी से जो है खांसी हो जाना, थोड़ा सा भी ठंड का प्रभाव पड़ते ही खांसी शुरू हो जाती है, गले में सुरसुरी होती है, या कभी कभी बलगम बन जाता है, कभी सूखी खांसी होती है, कभी गीली खांसी होती है, कभी कफ आता है, कभी कफ नहीं आता है। तो आज हम उसी के लिए कुछ बेस्ट होम्योपैथिक कफ सिरप के बारे में बताएंगे, जो बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आपके कफ को पूरा, अगर गीली खांसी है तो उसको जो है कम करके और कफ को बाहर निकालेगा और आपको नेचुरल तरीके से ठीक करेगा बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। या सूखी खांसी है, कफ सूखा हुआ है अंदर में, तो उसको ढीला करके कफ को बाहर करने में जो है मदद करेगा। ये कफ सिरप बिल्कुल नेचुरल है और एक तरीके से हर्बल है, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के है। हम केवल 5 कफ सिरप के बारे में बताएंगे जिनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है पेशेंट के ऊपर यूज करने के बाद। पेशेंट खुद आके जब आपको बताते हैं कि मतलब इस कफ को लेने के बाद मेरा खांसी बिल्कुल ठीक हो गया, जो काफ़ी दिनों से हमको परेशान किए हुए था, या एक्यूट कंडीशन हो या क्रोनिक कंडीशन हो, दोनों के आधार पे सबका ग्रेडिंग है कि किसका जो है अच्छा रिजल्ट है, किसका थोड़ा कम अच्छा रिजल्ट है। ऐसा नहीं कि कोई ख़राब है, सब सही है, लेकिन किसी खास कंपनी का जो है कफ सिरप काफ़ी मतलब जो है अच्छे रिजल्ट देता है, तो उनका नाम जो है हम लिस्ट वाइज बताएँगे आपको। 5वें नंबर पे जो कफ सिरप आता है वो है इस्टोबल। पहले जो है इस्टोडल करके आता था, अब इस्टोबल करके आता है, जो SBL कंपनी का है, जो 60 ml, 120 ml या उससे बड़े भी फाइल में आता है, जो बहुत ही अच्छा कफ सिरप है, खास करके ड्राई कफ, लूज कफ, हर प्रकार के खांसी के लिए, जो स्मोकिंग करते हों उनके लिए भी काफ़ी अच्छे मतलब कारगर कफ है। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। इसका इस्तेमाल आपको जो है एज के अनुसार उसको करना है, बड़े हैं तो 10 ml आधा कप गुनगुना पानी में डाल के करना है, छोटे हैं अगर 5 साल से कम उम्र है तो आपको 5 ml आधा कप गुनगुना पानी में डाल के करना है, चाय की तरह फूक फूक के पीना है इसको, तब ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। 4थे नंबर पे जो कंपनी आती है वो है कफ्लेक्स कफ सिरप, रैपिड रिलीफ फ्रॉम कफ, जो हैस्लिप कंपनी का है, जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है खांसी के मामले में, ड्राई हो या लूज हो दोनों कफ में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है। इसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, मतलब पेशेंट इससे काफ़ी सेटिस्फाइड रहते हैं। 3रे नंबर पे जो कंपनी है कफ सिरप की वो है विजल कंपनी का विजल मिक्सचर कफ मिक्सचर है, जो कि ड्राई कफ को खास करके अगर आपके सीने में रैटलिंग साउंड हो, मतलब घड़घड़ाहट हो, निमोनिया जैसे हो, कफ भरा हुआ हो छाती में लेकिन निकल नहीं रहा हो, वैसे कंडीशन में जो है विजल कफ मिक्सचर काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसको जो है डायरेक्ट 10 ml जो है एज के अनुसार, सब दवा का जो है अपना इसी तरीके से जो है डोज है कि अगर आपका एज 5 साल से ऊपर है तो 10 ml दिन में 3 बार लें, अगर 5 साल से कम है तो 5 ml दिन में 3 बार लें, अगर ज़्यादा रैपिड कफ है तो 4 बार भी कर सकते हैं 3-3 घंटे पे। विजल कफ मिक्सचर जो है खास करके सांस फूलना, दम फूलना और सीने में घड़घड़ाहट, उन सारे कंडीशन के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। 2रे नंबर पर जो कंपनी है वो है बैक्सन का कफ एड सिरप का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, ड्राई कफ, लूज कफ, हर कफ में जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव है। जितने भी कफ सिरप हमने बताए अभी तक, सब कफ सिरप का अपना अलग अलग जो है कम्बिनेशन है, कोई कुछ मेडिसिन को इस्तेमाल किए हैं, कोई कुछ मेडिसिन को इस्तेमाल किए हैं, तो जो भी हम एक ग्रेडिंग रखे हैं 5वें नंबर पे या 3रे नंबर पे या 4थे नंबर पे, सबका पेशेंट के ऊपर अनुभव करने के बाद इसको रखा गया कि 10 मरीज को अगर ये सिरप दिया गया तो उसमें जो है कितने लोग ठीक हुए या जो है किसका कैसा रिजल्ट रहा, उसके आधार पर रखा गया इसको। और इसमें जो है कफ सिरप जो है जैसे कुछ लोग जो शुगर पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, तो उनको जो है कफ सिरप शुगर फ्री भी आता है, तो
पैक्सन जो है कफ एड प्लस करके एक सिरप बनाता है जो शुगर फ्री है, खास करके जिनको शुगर से सफ़र कर रहे हैं, जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए जो है कफ एड सिरप जो है कफ एड प्लस करके जो सिरप है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कफ के लिए। पहले नंबर पे जो कंपनी आती है वो है WSI। WSI का जो कफ सिरप है वो है टूसीस्टीन। टूसीस्टीन दो कलर में आता है, एक कलर ग्रीन है, एक ऑरेंज है, एक जिंजिबर है और एक मिंट है, तुलसी जो है। तो दोनों ही बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं, खास करके कफ के केस में। सबसे नंबर वन पे जो है WSI का ही है, जिसको 10 पेशेंट पे यूज करने के बाद कम से कम 7 पेशेंट जो है काफ़ी अच्छे रिलीफ हो गए। इसी प्रकार से सबका ग्रेडिंग किया गया है, जो भी है 1 से 5 नंबर तक। पाँचों कफ सिरप जो है काफ़ी अच्छे हैं, इनमें कोई बुरा नहीं है, लेकिन पेशेंट के ऊपर अनुभव करने के बाद मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और ये सारे हर्बल्स हैं, बिल्कुल नेचुरल हैं, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के हैं। जो आपका विजल मिक्सचर है वो एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है, मतलब जो भी कफ अंदर है उसको निकालने में काफ़ी, मतलब सबसे बेहतर जो है विजल मिक्सचर है वैसे कंडीशन में, खास करके निमोनिक पेशेंट जो है, निमोनिया से जो सफ़र कर रहे हैं वो ऐसे कंडीशन के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। ये जो भी कफ सिरप है मैंने एक जनरल कफ सिरप के रूप में बताया है। अगर आपको खांसी की परेशानी है, क्रोनिक या एक्यूट जो भी है, अगर कोई विशेष कारण से है, किसी विशेष बीमारी के कारण है, तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से या जो भी आपके डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करें, और फिर उसके बाद जो है इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। एक जनरल खांसी के रूप में है कि अगर साधारण आपको खांसी आ रही हो उस समय अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो और आप लोगों को जो है इससे खांसी से निजात मिले। इसी तरीके से हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर किसी प्रकार की क्वेरी हो आपको तो आप जो है कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।